नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं कृतिका आपके साथ और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। सीहोर के पारस विहार कॉलोनी में अनैतिक कार्य के शंका में डॉक्टर के साथ की कॉलोनी वालों ने मारपीट। कोतवाली पुलिस ने 6 नामजद लोगों के विरुद्ध किया मामला पंजीबद्ध। अयोध्या के मंदिरों में रंग भरी एकादशी से शुरू हुई होली, लोगों ने धूमधाम से मनाई रंग भरी एकादशी। अयोध्या मंदिर को लेकर हनुमान बाग में हुई बैठक, बैठक में मुस्लिम समाज के लोगों ने किया जमीन देने के पक्ष में हस्ताक्षर। सीहोर के पारस विहार कॉलोनी में अनैतिक कार्य की शंका से ग्रस्त पड़ोसियों ने जिला अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट और पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद शर्मा के साथ उनके घर में घुसकर जमकर मारपीट की। घटना से गुस्साए जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने देर रात कोतवाली पुलिस पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई। कोतवाली पुलिस ने 6 नामजद लोगों के विरुद्ध IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सीहोर के पारस बिहार में रहने वाले जिला अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट और पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद शर्मा जब अपनी पैथोलॉजी से लंच करने अपने आवास पहुंचे, इसी दौरान जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर अर्चना राजपूत अपने पति OP राजपूत के साथ अपने मातृत्व अवकाश समाप्त होने के बाद ज्वाइन करने की प्रतिक्रिया समझने पहुंची। ऐसे में इस कॉलोनी के आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने डॉक्टर के घर में घुसकर अनैतिक कार्य की शंका में डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट कर दी। वहां मौजूद महिला डॉक्टर के पति को भी जमकर मारा। दोनों डॉक्टर और उसके पति चीख चीख कर कहते रहे कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मगर भीड़ ने लगातार डॉक्टर और महिला डॉक्टर के पति को मारते और गंदी गाली देते रहे। पड़ोसी महिला और पुरुष डॉक्टर शर्मा पर अनैतिक कार्य का आरोप लगाते रहे। इसके बाद जिला चिकित्सा संघ के नेतृत्व में फिर जिला अस्पताल और निजी क्लिनिक के डॉक्टरों की भीड़ कोतवाली में एकत्रित हो गई। पुलिस ने फरियादी डॉक्टर आनंद शर्मा की रिपोर्ट पर 6 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। ये आसपास घर का माहौल है, फैमिलियाँ हैं, पूरी 100-150 फैमिलियाँ, हम लोग आपस में एक परिवार की तरह रहते हैं। कोई इस तरह का गंदा काम होता है तो उसके लिए हम सब एकजुट हैं। आज आपने हमारी एकजुटता भी देखी होगी कि आज कॉलोनी के सब लोग यहाँ पर हैं, और अगर जो नहीं भी होते हैं तो एक फ़ोन पे वो सब यहाँ आते हैं। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, इतने बड़े पद पे होते हुए भी ये गलत काम करते रहे। इनको वार्न हम कर चुके थे पहले, 2 साल से चल रहा था, तो कॉलोनी वालों ने कभी तो 2 साल में वार्निंग तो दी होगी ना? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, वार्निंग दी उसको, लेकिन वो नहीं माने। क्या बोला उन्होंने जब आप वार्निंग दी कि आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं? उन्होंने इग्नोर करा, आज भी उन्होंने इग्नोर करा कि साहब वो लड़की तो लेब के काम के लिए आई है। भाई, आपकी लेब वहाँ पे है, आपने 2 घंटे से लड़की को छुपाया हुआ है, ऊपर छुपाया हुआ है, ये कौन सा लेब का काम हो रहा है? मैं खुद उसको लड़की को ऊपर से उतरते हुए देखा, मैंने छुपाया उन्होंने। पिछले 2 सालों से हो रहा है ये डॉक्टर आनंद शर्मा के घर में, यहाँ लड़कियाँ आती जाती हैं, फेस पे कपड़ा बांध के। कितने टाइम से ये लड़कियाँ आ रही हैं यहाँ पर? पिछले 2 सालों से आ रही हैं लड़कियाँ, और आज भी वो लड़की आई थी फेस पे कपड़ा बांध के, उसे आई विटनेस देखा गया, उसी के बाद ही एक्शन लिया गया है। और हम परेशान हैं, हमारे बच्चे सभी लोग कॉलोनी में देखते हैं इस चीज़ को, तो इसलिए हम चाहते हैं। 2 साल से ये हो रहा था, आपने कोशिश भी करी उनको समझाने की कि आप इस तरह का काम करते हैं? बोला भी उनको, बोला गया है इस चीज़ के लिए, लेकिन वो उन्होंने हमेशा इग्नोर करा। और आज भी उन्होंने हमको आधे रास्ते से रोका कि बहुत हो गया है, आप लोग जाइए, मैं खुद ही परेशान हो गया हूँ आपकी इस चीज़ से। लेकिन मुझे ही लगा कि शायद ऊपर भी हम लोग ऊपर बैठ नहीं कर सकते, फिर ऊपर गए हम लोग, फिर ऊपर वहाँ से वो लड़की उतरती हुई दिखी हमको सीढ़ी से। कौन लाता था यहाँ पे लड़की है? ये हम लोग आती थी एक्टिवा से, खुद ही आती थी। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर आनंद शर्मा। एक कहाँ पे पदस्थ है ये? जिला चिकित्सालय। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनके पास ऐसा कोई एविडेंस है तो मेरे सामने लाए ना, मैं तो पत्नी हूँ, और मुझे क्यों नहीं बताया गया अगर ऐसा कुछ था? आपका बोला कि मैडम आती नहीं कभी उस। सर, डॉक्टर ने लिखित शिकायत की है, और डॉक्टर और उनके साथ में श्रीमती अर्चना राजपूत और साथी डॉक्टर जो है मिस्टर का नाम बताता हूँ मैं आपको, OP मेवाड़ा, इनके द्वारा संयुक्त रूप से एक साथ आकर कंप्लेंट की गई है कि उनके सामान्य रूप से घर में अपने मुलाकात के दौरान कॉलोनी के कुछ लोगों ने आकर और उनके घर में जबरन उनकी बिना अनुमति के प्रवेश करके उनके साथ मारपीट करके गंदी गंदी गालियां दी हैं। नहीं, मैं आज खाना खाने दोपहर को घर आया हुआ था, उसी समय डॉक्टर मेवाड़ा और उनकी पत्नी
कुछ अवकाश के आवेदन के संबंध में चर्चा करने आए, घर आए थे बैठे थे, तो हम लोग उसको भर ही रहे थे। इतने में डॉक्टर बेवाड़ा कुछ कागज़ लेने और गए, फिर वो 10 मिनट बाद दोबारा आ गए, और जब वो दोबारा बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, इतने में दो लोग आए और उन्होंने कहा कि ये महिला कौन बैठी, तो मैंने कहा हमारी जूनियर है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और इनके हस्बैंड है। तो बोले नहीं, इनके हस्बैंड नहीं है। तो मैंने कहा हस्बैंड है, तो बोले नहीं। फिर दोबारा बोले हस्बैंड नहीं है, और उनने मुझे धक्का देके मारपीट करना शुरू कर दी। इतने में डॉक्टर मेवाड़ा ने कहा कि मैं उनका हस्बैंड ही हूँ और इनको क्यों मार रही है, उठे ड्राइंग रूम से और उन लोगों को रोकने लगे, तो मेरे को छोड़ के इनको मारने लगे। अयोध्या में आज रंगभरी एकादशी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। रंगभरी एकादश का बड़ा महत्व है। आज से ही अयोध्या में होली का त्यौहार शुरू हो जाता है। आज हनुमानगढ़ी से संत महंतों की टोली ढोल नगाड़ों के साथ हनुमानगढ़ी का निशान लेकर सड़कों पर होली मनाते हुए निकले हुए हैं। यहाँ संत अयोध्या में हनुमानगढ़ी का पौराणिक निशान के साथ सभी मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिरों में होली खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, और आज से होली तक अयोध्या में यही नजारा देखने को मिलेगा। अयोध्या में रंग भरी एकादशी से ही मंदिरों में होली शुरू हो गई है, और होली आते आते पूरी अयोध्या फागुनी रंग में सराबोर हो जाती है। आज अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी से मंदिर का ऐतिहासिक निशान लेकर नागा साधुओं की टोली सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते और करतब दिखाते मंदिर मंदिर जाकर एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाकर अयोध्या में होली की शुरुआत कर रहे हैं। एकादशी जो रंग भरी एकादशी है, यहाँ की परंपरा सनातनी है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, या हनुमान जी महाराज का जो निशान है, पताका है, ये जो नागा लोग होते हैं, जो नागा बनने वाले हैं, जो नए, उसको हुरदंग कहा जाता है, इन लोगों के माध्यम से उस निशान को 5 कोस में घुमाया जाता है। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। अयोध्या विवाद को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सुलह की पहल को अब पंख लगते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बनाई पैनल को एक प्रस्ताव सौंपने की तैयारी अयोध्या से की जा रही है। अयोध्या विवाद से जुड़े हिंदू पक्षकार महंत धर्मदास के वकील सेवानिवृत्त जज वीरेंद्र चौबे और मुस्लिम कार सेवक सुन्नी समाज से मोहम्मद अनीश बब्लू की अगुवाई में कई मुस्लिम समाज के लोगों ने हनुमान बाग में एक बैठक की। बैठक में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसमें सहमति थी कि विवादित स्थल जन्म स्थान पर राम मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम समाज हर्ष के साथ जमीन सौंपने को तैयार है। इस प्रस्ताव पत्र को सुलह के पैनल को सौंपा जाएगा। हालांकि ये मुस्लिम समाज के लोग अयोध्या के लोग हैं, जो विवाद में कोई पक्षकार नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि मसला हल हो। ये बैठक का उद्देश्य यही था कि जो ये पैनल बना हुआ है कि सुलह समझौता के माध्यम से ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मसला हल हो, तो इसी वजह से हम लोगों ने आज बैठक किया। देखिए, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ये देखा है कि मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए उन्होंने इस सुलह समझौते की बहुत पहले ही बात की, और इसलिए उन्होंने एक कमेटी भी गठित कर दी गई है, जिस पर सुलह समझौते की बात पक्षकारों के बीच चल रही है। इसी बीच में बात आई कि भाई यह मुकदमा बहुत दिन तक न चले, देश में अमन चैन बना रहे, यहाँ से चिंगारी झगड़े की निकली है, तो सुन्नी भाइयों ने, जो अयोध्या के सुन्नी भाई हैं, जो इन लोगों ने दस्तखत किया इस पर, वो के को रिप्रेजेंट करने वाले मिस्टर बबलू खां, वो मेरे पास, हम लोगों की बातचीत हुई आपस में, तो उन्होंने कहा कि सभी लोग हम लोग सहमत हैं, हम लोग बात करके इस बात को फॉरो कर रहे हैं कि ये हम लोग उस स्थान पर, चूँकि विवादित हो चुका है, उस स्थान पर हम लोग नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 इंडिया। गुजरात के डीसा में जलाराम मंदिर के आगे मानव सेवा संगठन संस्था के द्वारा पक्षियों के परिंदे लोगों में वितरण किए गए। लोगों से यह भी निवेदन किया है कि अपने घर के ऊपर पक्षियों के लिए पानी और चिड़ियों के लिए घर और दाने डालने के लिए परिंदे लगाएं, पक्षियों को सहयोग करें। गर्मियों में दाने और पानी की वजह से पक्षी प्यासा ना रहें। संगठन के लोगों ने सभी से यही निवेदन किया है।
ડીસાની ધર્મપ્રેમી જીવદયા પ્રેમી જનતાનો જે માનવ સેવા સંગઠનને સાથ સહકાર છેલ્લા 5 વર્ષથી મળી રહ્યો છે એ બદલ તો પહેલાં હું આપ સર્વે ધર્મપ્રેમી જનતાઓનું ખરા દિલથી માનવ સેવા સંગઠનની કમિટી વતી આભાર માનું છું. રિપોર્ટ ન્યૂઝ 29 ઇન્ડિયા. आगामी त्योहारों को देखते हुए कृषि उपज मंडी लाडकुई में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया. गौरतलब है कि आगामी तारीखों में आदिवासियों का त्योहार भगोरिया जत्रा होली का दहन एवं रंगपंचमी होने के कारण ग्राम लाडकुई में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बृजेश सक्सेना, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रकाश मिश्रा, थाना प्रभारी जितेंद्र पटेल, तहसीलदार पीसी पांडे, रेंजर पीके शर्मा के साथ ग्राम के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए जिसमें मुख्य रूप से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, जनपद सदस्य अखलाक खान सहित ग्राम के अन्य लोग मौजूद रहे. आज हम लोगों ने लाड़कुई में शांति समिति की बैठक सभी यहाँ के गणमान्य लोगों के साथ में और सभी पत्रकार बंधुओं के साथ में आयोजित की गई. त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मने इसके लिए हमने शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. हमें आशा है कि यहाँ के सभी गणमान्य लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिलेगा और त्यौहार सभी सौहार्दपूर्ण और अच्छे वातावरण में हम लोग मना पाएंगे. सभी लोगों से यही अपेक्षा है. धन्यवाद. नसुलागन समित शर्मा की रिपोर्ट. अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही. लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ. एक देश सार प्रदेश.